अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कौमी शनाख्ती कार्ड की फीस के हवाले से मुकम्मल तफसीलात से आगाह करूंगा। मजीद डिटेल में जानने से पहले चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी से लाइक करें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको मालूम है कि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नात्रा पाकिस्तानी शहरियों को स्मार्ट कौमी शनाख्ती कार्ड यानी NIC जारी करती है। शनाख्ती कार्ड जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और अच्छी तरह से तयशुदा कारोबारी इस्तेमाल और इसकी सदाकत और दुरुस्तगी की जमानत दी जा सकती है। कौमी शनाख्ती कार्ड अफराद की अव्वलीन ज़रूरत है, क्योंकि इसके लिए लाइसेंस, NTN, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट्स और सेलुलर कनेक्शन वगैरह जैसी तमाम दस्तावेजात हासिल करना लाजमी है। पाकिस्तान का हर शहरी 18 साल या इससे ज्यादा का शनाख्ती कार्ड के लिए दरख्वास्त देने का अहल है। NIC स्मार्ट कार्ड फीस अपडेट, जो कि फरवरी 2024 तक की नए स्मार्ट कौमी शनाख्ती कार्ड की आम फीस में अभी तक कोई तब्दीली नहीं हुई है। नॉर्मल कैटेगरी की फीस 750 रुपये है, जबकि अर्जेंट की फीस 1500 रुपये है। इसके अलावा इसकी फीस वगैरह में अभी तक ना कोई इजाफा किया गया है और ना ही कोई इजाफा करने का फिलहाल कोई इरादा है। तो फ्रेंड्स, ये था कौमी शनाख्ती कार्ड की फीस के हवाले से मुकम्मल तफसीलात पर मबनी वीडियो। पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और ताज़ा तरीन अपडेट्स आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। खुदा हाफिज़।